હેલો મિત્રો, પૈસો કી જાદુઈ દુનિયા મે આપકા સ્વાગત હૈ। પિછલી કડી મે હમને દેખા કે પૈસા કિતના મહત્વપૂર્ણ હૈ। ઇસ વિડિયો મે હમ બાત કરેંગે પૈસો કે બચત કી। લેકિન હમ અપને પૈસે કહાં રખતે હૈ? પૈસે તો કિસી સુરક્ષિત જગહ હી રખને ચાહિએ। और बैंक से अधिक सुरक्षित भला और कौन सी जगह होगी? बैंक न केवल पैसे जमा रखते हैं, बल्कि बैंक में आने और वहाँ से जाने वाले हर पैसे का पूरा पूरा हिसाब भी रखते हैं। इसे लेन देन कहते हैं। सभी लेन देन का पूरा ब्यौरा जिस चीज में रखा जाता है उसे बैंक खाता कहते हैं। बैंक में पैसा जमा करने का सबसे आसान उपाय है वहाँ अपने नाम का एक बचत खाता खुलवाना। आजकल बैंक बचत खातों के खुलते ही एटीएम कार्ड मिल जाता है। आपने देखा होगा कि लोग कंप्यूटरीकृत एटीएम मशीन तक जाते हैं, अपना कार्ड उसमें डालते हैं और मिनटों में पैसे मशीन से बाहर आ जाते हैं। वाह! जब भी हम पैसे देते हैं तो बदले में हमें कुछ मिलता है। जैसे पैसों का भुगतान करने पर कपड़े की दुकान से आपको एक कमीज या साड़ी मिलेगी, या फिर पैसों के बदले ऑटो वाला आपको जहाँ आप जाना चाहें वहाँ ले जाएगा। पैसों का भुगतान दैनिक, माहाना या सालाना हो सकता है। पैसे मूल्यवान होते हैं क्योंकि पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। जब आपके पास पैसे काफी ना हो तो आप किसी दोस्त या बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से उधार ले सकते हैं। यह उधार या लोन कहलाता है। लोन या उधार पैसे की आमद है जिसे एक तय फीस के साथ वापस लौटाना पड़ता है। इस फीस को ब्याज कहते हैं। पैसे बचाएं कैसे? एक अच्छा तरीका है कि कम से कम पैसे खर्च करना। उदाहरण के लिए, जितना हो सके उतना घर का बना हुआ भोजन, फल और सब्जियां खाइए। जितना आप स्वस्थ रहेंगे, आपके परिवार को आपकी बीमारियों के इलाज पर उतना कम खर्च करना पड़ेगा। स्कूल तक पैदल आना जाना कीजिए, बस का किराया बचेगा। अंधेरे कमरे में पढ़ने या खेलने की बजाय रोशनी वाली हवादार जगह बैठिए। इससे लाइट और पंखों की बिजली का खर्च बचेगा। जब जरूरत ना हो तब लाइट, पंखों, टीवी आदि को बंद रखिए। इससे बिजली के बिल में पैसों की बचत होगी। और दोस्तों, जब आपकी गुल्लक सिक्कों से भर जाए तब आप उन पैसों को अपने बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं। अगली कड़ी में देखिए पैसे खर्चे कैसे।